नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रविंद्र सिंह प्रोक्तर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज का जो हमारा विषय है वो है PR 302 यूनिट संख्या 3.3, जो कि संबंधित है पेपर के टेस्टिंग से, फिजिकल टेस्टिंग से, जो कि प्रिंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से किए जाते हैं, एक मुद्रक के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहला तो डायमेंशनल स्टेबिलिटी से ही संबंधित है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी से मतलब है आपका जो कागज़ में काम में लिए जाने वाले फाइबर हैं, जो कि कागज़ के मुख्य अवयव होता है फाइबर, उस फाइबर का एटमॉस्फेयर का या मॉइस्चर का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में कुछ एक्सपेंशन हो जाता है, उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी चेंज हो जाती है पूरी शीट की मॉइस्चर के संपर्क में आने की वजह से। तो इसका प्रिंटिंग पे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे संबंधित ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ये एक छोटा टॉपिक है। सेलुलोज फाइबर्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेपर स्वेल इन डायमीटर ऑफ 15 to 20% फ्रॉम ड्राई कंडीशन टू सेचुरेशन पॉइंट। 15 से 20% तक वो स्वेल करता है, यानी कि फैल जाता है या सूज जाता है, जो कि सूखी से सेचुरेशन पॉइंट तक होता है। सिंस मोस्ट ऑफ द फाइबर इन पेपर शीट्स आर अलाइन इन द मशीन रन डायरेक्शन, ऑब्जॉर्प्शन एंड डी ऑब्जॉर्प्शन मॉइस्चर बाय द पेपर कॉजेस द चेंज इन CD डायमेंशन, क्रॉस डायमेंशन जिसे हम कहते हैं CD डायमेंशंस। होता क्या है कि जो मशीन डायरेक्शन के हिसाब से ही हम ज़्यादातर कागज़ की वेब फाइबर्स को इस्तेमाल करते हैं, उसके फाइबर की डायरेक्शन मशीन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, पर मॉइस्चर के संपर्क में आने के बाद, ह्यूमिडिटी जो प्रेस रूम की ह्यूमिडिटी है उसके संपर्क में आने के बाद, ये डायमेंशंस चेंज होती हैं, ये स्वेल करती हैं। सच चेंजेस इन डायमेंशन आर मे सीरियसली अफेक्ट द रजिस्ट्रेशन इन प्रिंटिंग प्रोसेस एंड इंटरफियर विद द यूज़ ऑफ द सच आइटम्स एज टेबुलेशन कार्ड्स। अब इस प्रकार का जो चेंजेस आता है ये इस वजह से, ये डायमेंशनल चेंजेस की वजह से जो प्रिंटिंग के रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, रजिस्ट्रेशन मिस रजिस्टर हो जाता है, खासकर जब हम टेबुलर वर्क कर रहे हो, जहाँ लाइंस का खेल हो, लाइंस के अंदर 4 कलर या 2 कलर प्रिंटिंग कर रहे हो, तो पूरी की पूरी एक लाइन ही साइड में प्रिंट होती हुई दिखाई देती है। डायमेंशनल चेंजेस इन पेपर ओरिजिनेट इन द स्वेलिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फाइबर्स। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी प्रिसाइज अबाउट द डिग्री ऑफ दिस स्वेलिंग बिकॉज पेपर मेकिंग फाइबर्स डिफर कंसिडरेबली इन दिस प्रॉपर्टी बिकॉज द इररेगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ फाइबर क्रिएट्स डिफिकल्टी इन द डिफाइनिंग डायमीटर। चेंजेस दैट अकर्स इन द डायमेंशन ऑफ द पेपर विथ वेरिएशन इन द मॉइस्चर कंटेंट इज देन द इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द यूज ऑफ द पेपर। ऑल पेपर एक्सपेंड विथ इंक्रीज मॉइस्चर कॉन्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट विथ डिक्रीज मॉइस्चर कंटेंट, बट द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ चेंजेस वेरी विथ डिफरेंट पेपर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका पेपर कंटेंट है, पेपर के अंदर जो पेपर है उसका एंड यूज़, उस पेपर की अलग अलग प्रकार की प्रकृतियाँ, कितने टाइप्स का पेपर है, इन सब में मॉइस्चर की वजह से होने वाली डायमेंशनल स्टेबिलिटी के अंदर जो दिक्कतें हैं वो सब अलग अलग होती हैं। हर एक के अंदर जो फाइबर यूज़ किया गया है वो फाइबर हर प्रकार के कागज़ में अलग अलग तरीके से एक्सपेंड होगा या उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब होगी, उन सबको हम एक ही तरीके से नहीं देख सकते। डायमेंशनल स्टेबिलिटी ऑफ पेपर कैन बी इम्प्रूवड बाय अवॉइडिंग फाइबर टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। अब इसे हम रोका कैसे जा सकता है, इसे रोका जा सकता है कि जो उस पेपर के अंदर फाइबर्स हैं उनको हम मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से रोकें। वेल साइज्ड पेपर हैव बेटर डायमेंशनल स्टेबिलिटी। जो वेल साइजिंग, जैसे दो कंडीशन में ना होते, पेपर कंडीशनिंग, पेपर सीजनिंग, इन दोनों का ही उद्देश्य यही है कि हम कागज को पहले प्रेस रूम में ले जाकर वहाँ की ह्यूमिडिटी और प्रेस टेम्परेचर के अनुकूल कर लें 24 घंटे पहले ले जाकर। इस प्रकार का जो साइज्ड पेपर होगा, सीजनिंग किया हुआ पेपर होगा, उसमें डायमेंशनल स्टेबिलिटी कभी भी प्रिंटिंग के दौरान नहीं बिगड़ेगी। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिसमें एक तरफ कुछ ग्रेड के पेपर दिए हुए हैं, जैसे कार्बोनेस पेपर, बॉन्ड पेपर, कोटेड आर्ट पेपर जो कि अंडर 200 GSM का, और गास्केट पेपर, और आगे इनकी MD और CD मशीन डायरेक्शन क्रॉस डायरेक्शन परसेंटेज में कितना कितना डिफरेंस आता है, ये सब इसमें बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है ग्लॉस। ग्लॉस क्या होता है, ग्लॉस को हम सामान्य स्थिति में जानते हैं, ग्लॉस चमक होता है, और कागज़ के संबंध में कागज़ की कितनी ज़्यादा चमक है उसको हम ग्लॉस के रूप में सामान्य रूप से समझते हैं।
इट इज़ द स्पेकुलरी एंड द डिफ्यूजी रिफ्लेक्ट लाइट कंपोनेंट मेजरमेंट अगेंस्ट द नोन स्टैंडर्ड। कागज की सतह से लाइट का होने वाला रिफ्लेक्शन एक खास स्टैंडर्ड की तुलना में उसको समझा जाता है ग्लॉस के रूप में। ग्लॉस इज इम्पॉर्टेंट फॉर मैगजीन एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग। यदि आप मैगजीन के अंदर एडवर्टाइजिंग प्रिंटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। द लेवल ऑफ ग्लॉस डिजायर्ड इज वेरी डिपेंडेंट ऑन द एंड यूज ऑफ द पेपर। ग्लॉस एंड स्मूथनेस आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टी है। स्मूथनेस ऑफ पेपर एंड ग्लॉस ऑफ पेपर दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं जो एक दूसरे से डिपेंडेबल नहीं है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होती है। और लेवल ऑफ ग्लॉस ये डिसाइड करता है कि आपको कागज में किस लेवल का ग्लॉस चाहिए। ये डिपेंड करेगा आपको उस कागज का क्या प्रयोग में लेना है, क्या चीज़ क्या है उसको मैगजीन या एडवर्टाइजिंग में लेना है या पैकेजिंग में लेना है या फिर बुक फिनिश में लेना है या कुछ नोट्स ही लिखना है, उस पर डिपेंड करता है उस कागज़ का ग्लॉस कितना होगा। ग्लॉस इज द स्पेकुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड एट एन इक्वल एंड ऑपोजिट एंगल नॉर्मली मेजर्ड एट 75 डिग्री एंड 20 डिग्री। ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये एक खास एंगल पे, जैसे 75 डिग्री या 20 डिग्री पे जो एंगल पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसको मेजर करना ग्लॉस कहलाता। ग्लॉस मतलब कहलाता तो क्या ग्लॉस को मेजर करने का एक तरीका है। ग्लॉस ऑफ अनप्रिंटेड शीट बोर्ड इज मेजर्ड एट 75 डिग्री एक्सेप्ट द कास्ट कोटेड पेपर। प्रिंटेड एंड वार्निशिंग सर्फेसेस आर मेजर्ड एट 60 डिग्री एंगल। ये आगे एक टेबल दी है। टिपिकल ग्लॉस वैल्यू, एक तरफ कागज है अनकोटेड प्रिंटिंग पेपर, इसकी 75 डिग्री पे जो ग्रॉस वैल्यू ग्लॉस की वैल्यू आ रही है वो 4 से 6 है। मैट कोटेड की 10 से 30 है, सिल्क कोटेड की 25 से 50 है, आर्ट कोटेड की 65 से 86 है। और टिपिकल ग्लॉस वैल्यू कंपेयर टू द पॉलिश ब्लैक ग्लास एज 100। इसमें अलग अलग प्रकार के जो ग्रेड के पेपर हैं जैसे लिकर कोटेड पेपर, मैगजीन कवर, मैगजीन कोटेड बुक, सुपर कैलेंडर बुक, इंग्लिश फिनिश बुक, बॉन्ड, हाउस होल्ड वैक्स पेपर एंड बियर्ड पेपर, इन सब की ग्रॉस वैल्यू 96 से लेकर नीचे 63 तक आ रही है। सबसे कम इसमें बॉन्ड पेपर की आ रही है। नेक्स्ट जो है ओपेसिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पेपर। ओपेसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच लाइट इज केप्ट अवे फ्रॉम द पासिंग थ्रू अ शीट। एक शीट से कितने परसेंट लाइट है जो उसको पार होके निकल रही है, दैट इज कॉल्ड ओपेसिटी। अ परफेक्टली ओपेक पेपर इज वन दैट इज एब्सोल्युटली इम्प्रीवियस टू द पैसेज ऑफ ऑल विजिबल लाइट। एक परफेक्टली ओपेक पेपर वही होता है जो अधिकतम आपकी लाइट का पैसेज रोक दे विजिबल लाइट का कागज में से निकलने पर। इट इज द रेशियो ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्टेंस एंड द रिफ्लेक्टेंस ऑफ सिंगल शीट बैक्ड बाय द ब्लैक बॉडी। ओपेसिटी इज इम्पॉर्टेंट इन प्रिंटिंग पेपर्स, बुक पेपर्स एक्सेट्रा। द ओपेसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थिकनेस, अमाउंट एंड काइंड ऑफ फिलर, डिग्री ऑफ ब्लीचिंग एंड कोटिंग। दो चीज़ें, एक तो ओपेसिटी प्रिंटिंग पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हमने ऐसा कोई कागज़ प्रिंट कर दिया जिसमें एक तरफ छापा हुआ शो थ्रू से पीछे दिखाई दे रहा है ड्यू टू कागज की ओपेसिटी की वजह से कि उसमें ओपेसिटी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, तो हम उस पर बुक नहीं छाप सकते, सब मिक्सअप हो जाएगा। दूसरा, ओपेसिटी फिजिकल रूप में उसकी मैन्युफैक्चरिंग के जो पैरामीटर्स हैं, कागज़ की मैन्युफैक्चरिंग के पैरामीटर्स हैं, जैसे कि थिकनेस ऑफ पेपर, कागज़ की मोटाई कितनी है, अमाउंट एंड काइंड ऑफ फिलर्स, उसमें किस प्रकार का अमाउंट किस प्रकार के फिलर्स डाले गए हैं और उनकी क्या क्या मात्रा है, प्लस डिग्री ऑफ ब्लीचिंग एंड कोटिंग, इन सब पे निर्भर करती है। ओपेसिटी इज अ मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ शीट ऑफ पेपर। ओपेसिटी को मेजर किया जाता है कि वो कितने परसेंट लाइट को शीट में से पास होने से रोक रही है या अब्जॉर्ब या उसकी शीट एब्जॉर्ब करी कितने परसेंटेज ऑफ लाइट को। इम्पॉर्टेंट इन बुक प्रिंटिंग वेयर बोथ साइड ऑफ प्रिंटेड पेपर आर प्रिंटेड। बुक प्रिंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें कागज़ के दोनों तरफ प्रिंटिंग की जाती है। यदि उस कागज़ में ओपेसिटी नहीं होगी तो एक तरफ प्रिंट किया हुआ पीछे दिखाई देगा शो थ्रू की वजह से और पीछे की तरफ जो सेकेंड पेज प्रिंट कर रहे हैं वो पहली तरफ दिखाई देगा। द प्रोसीजियल स्टैंडर्ड आर एक्सप्लेन इन ISO 2471 एंड द TAPPI T425।
अब इसे ग्लॉस को मेजर करने का जो एक्चुअल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो दोनों इनके अंदर दिया हुआ ISO 2471 में और TAPPI T425 में। द पेपर विथ अ रिलेटिव हाई ओपेसिटी एट 96% एंड अबव विल हैव ऑलमोस्ट नो शो थ्रू फ्रॉम प्रिंटिंग वन और प्रिंटिंग ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द शीट बिलो। जो हाईएस्ट ओपेसिटी है वो 96% हम मान रहे हैं और इसमें लगभग कुछ लगभग निल के बराबर शो थ्रू होगा। जब हम प्रिंटिंग रिवर्स शीट पे प्रिंटिंग करेंगे तो आपका निल शो थ्रू हमें इसमें शीट पे मिलेगा। सेलेक्टिंग अ पेपर विथ हाई ओपेसिटी इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट इफ द प्रिंटिंग इंक्लूड सॉलिड ब्लॉक ऑफ कलर्स, बोल्ड टाइप एंड हैवी कवरेज। अब कागज़ का सिलेक्शन कहाँ है, हाई ओपेसिटी वाले कागज़ का सिलेक्शन हमें जब करना चाहिए जब हमारे पास हैवी ब्लॉक प्रिंटिंग हो कलर्स के अंदर, या फिर बोल्ड टाइप प्रिंट हो रहे हो, या फिर हैवी कवरेज हो, कागज़ में वाइट एरिया कम और ब्लैक एरिया ज़्यादा हो, तब हमें हाई ओपेसिटी कागज़ का प्रयोग करना चाहिए। अब इसमें भी एक हमने एक सारणी दी है जिसमें न्यूज़ प्रिंट, स्टेशनरी, ट्रेसिंग पेपर, जिनके GSM जो है वो है 42:9 GSM, न्यूज़पेपर का, स्टेशनरी का 50:100 और ट्रेसिंग पेपर का 60:110 GSM। अब इसमें आप देखिए कि ओपेसिटी वैल्यू जो है ये आ रही है आपके 90 से 94, 88 से अबव एंड 25 to 40। स्टेशनरी और ट्रेसिंग पेपर इनके GSM लगभग बराबर है पर ड्यू टू इनकी मैन्युफैक्चरिंग ओपेसिटी में फिलर्स वगैरह इन सब के कारण इनकी ओपेसिटी वैल्यू परसेंटेज बहुत ही कम है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है स्मूथनेस। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर फॉर प्रिंटर। स्मूथनेस इज द कंसर्न विद द सरफेस कॉन्ट्रोल ऑफ द पेपर। ये पेपर की सतह से संबंधित है। इट इज़ द फ्लैटनेस ऑफ द सरफेस अंडर टेस्टिंग कंडीशंस विच कंसिडर रफनेस, लेवलनेस एंड कंप्रेसिबिलिटी। इन मोस्ट ऑफ द यूज ऑफ पेपर द करेक्टर ऑफ द सरफेस इज द ग्रेट इम्पोर्टेंस। ग्रेट इम्पोर्टेंस उसके जो कागज़ की सरफेस है उसको लोग हाथ से छू कर वगैरह, उसकी बहुत महत्ता है इस सरफेस वाले पैरामीटर की। इट इज़ कॉमन टू से डैट पेपर हैज़ अ स्मूथ और अ रफ टेक्सचर। द टर्म फिनिश एंड पैटर्न आर फ्रिक्वेंटली यूज इन डिस्क्राइबिंग द कॉन्टूर और अपेयरेंस ऑफ द पेपर सरफेस। कागज़ की सतह रफ है या स्मूथ है ये उसकी अपीलिंग में बहुत ही ज़्यादा, अपियरेंस में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। स्मूथनेस इज द इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग ऑल्सो। अगर आपके पास प्लेन पेपर है, स्मूथ है, तो आपको लिखने में भी अच्छा लगेगा, रफ पेपर में लिखने में समस्या आएगी। वेयर इट अफेक्ट्स द एज ऑफ ट्रेवल ऑफ द पेन ओवर द पेपर सरफेस फिनिश। अब आपके पास रफ कागज के ऊपर आपको कागज पेन चलाने में समस्या होती है और स्मूथ पेपर पे पेन अच्छी तरह चलता है, आपको बहुत आसानी लगती है, ईज है, अच्छा फीलिंग होता है, तो ये भी एक फैक्टर है। फिनिश इज इम्पॉर्टेंट इन बैक पेपर एज इट इज रिलेटेड टू द टेंडेंसी ऑफ द बैग टू स्लाइड वैन स्टैक्ड। स्मूथनेस ऑफ द पेपर विल ऑफन डिटरमाइन वेदर और नॉट इट कैन बी सक्सेसफुली प्रिंटेड। स्मूथनेस ऑल्सो गिव अ आई अपील एज अ रफ पेपर इज अनअट्रैक्टिव। मतलब कुल मिला के एक तो आपके पास ऐसा पेपर प्रोडक्ट है जो कि रफ पेपर से बना हुआ है और एक ऐसा पेपर प्रोडक्ट है जो स्मूथ पेपर से बना हुआ है, तो उसकी आई अपीलिंग में भी बहुत फ़र्क आ जाएगा। अब ये कुछ मेथड्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्मूथनेस बैक मेथड से इसमें कैसे पता चलता है, तो इसमें आपको टैपी T479 दिया हुआ है। रफनेस है शीफील्ड मेथड है और रफनेस है प्रिंट स्कफ मेथड है। तो इन्हीं मेथड के आधार पर यदि हम देखें तो इन चार प्रकार के कागजों की ये रीडिंग आती है, जिसमें न्यूज़ प्रिंट की 2.6 से 4.5 है, स्टेशनरी की 0.8 से 2.6 है और बैटसन मेथड जो है उसमें न्यूज़ प्रिंट की जो आ रही है वो 80 से 140 आ रही है, स्टेशनरी की 50 to 300 आ रही है और बिजनेस पेपर की 100 से 300 आ रही है और टेस्ट लाइनर की 1750 आ रही है। तो ये देखा जाए एक तरीके से तो स्मूथनेस का जो काम है वो ओपेसिटी और बाकी जो आपके पैरामीटर्स है उससे थोड़ा अलग है। आई अपीलिंग में भी है, लिखने में भी सहायता है, ईज मिलती है, एक बहुत तरह का फ़ायदा मिलता है। तो कुल मिला के ये कुछ पेपर्स हैं, मतलब ये जो आज हमने चार पैरामीटर देखे ये प्रिंटर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रिंटर को कागज़ प्रिंट करने से पहले देखने चाहिए। उम्मीद है आज का जो ये विषय है, आज के जो ये लेक्चर है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इनमें से प्रत्येक के ऊपर 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाता है
और कई बार दो दो नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर एक एक नंबर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनमें से बताइए कौन सा प्रिंटिंग का पैरामीटर नहीं है, प्रिंटिंग पेपर से रिलेटेड पैरामीटर नहीं है। तो हमें इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा पेपर को देते समय। थैंक यू।